राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक 9 अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान या आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अनुच्छेद 356 संवैधानिक संकट की जो स्थिति है, संवैधानिक आपातकाल की जो स्थिति है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 356 संवैधानिक संकट के बारे में बताता है। 356 के अनुसार ये कहा गया है कि यदि राज्यों की सरकारें संविधान के अनुसार अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है या केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है, केंद्र के निर्देश के अनुसार शासन नहीं करती है, तो अनुच्छेद 365 भी और अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक संकट की घोषणा की जा सकती है। यानी कि उस राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवैधानिक संकट के बारे में संविधान में अनुच्छेद 356 ये कहता है कि यदि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को ये महसूस होता है कि अमुक राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा, तो संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि राष्ट्रपति को ये लगे और राज्यपाल की रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है, तब भी वहां पर संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवैधानिक संकट के लिए अब जो स्थिति है वो ये है कि 2 माह के भीतर भीतर संसद के द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। इसके लिए साधारण बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत की आवश्यकता है और 2 माह के भीतर भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। लेकिन यदि इस बीच संवैधानिक संकट के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और इस बीच यदि लोकसभा का विघटन हो गया है, लोकसभा विघटित है, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी, तो उसके बारे में कहा गया है कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन आवश्यक है यदि लोकसभा विघटित है तो, वरना 2 माह के भीतर भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। 1 वर्ष से अधिक के लिए यदि 356 के अंतर्गत यदि इसकी व्यवस्था करनी है तो उसे वापस से संसद का अनुमोदन आवश्यक है। लेकिन इसके लिए 2 आधार होने आवश्यक है। यदि 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि के लिए इसको संवैधानिक संकट को बनाए रखना है तो इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहली ये कि 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हो और चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि अमुक राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इस आधार पर 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भी इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें 3 वर्ष से अधिक समय के लिए इसे लागू, ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 वर्ष तक के लिए ही इसे लागू किया जा सकता है, 3 वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं। 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात अपन ने पढ़ा था तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये कितने ही समय तक चल सकता है, लेकिन संवैधानिक संकट से उत्पन्न जो आपात है वो 3 वर्ष से ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकता है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ये ज्यादा के लिए लागू नहीं रह सकता है। इसका क्या प्रभाव होता है, यदि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है किसी राज्य के संदर्भ में, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो उसका क्या प्रभाव रहता है, जो विधायी शक्ति है यानी कि वहां की जो विधानसभा है उसको या तो विघटित किया जा सकता है या उसको निलंबित किया जा सकता है। कार्यकारी शक्ति पर क्या प्रभाव रहता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उसको भंग कर दिया जाता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, शासन की जो समस्त
शासन की समस्त शक्ति के ऊपर राष्ट्रपति का अधिकार हो जाता है। राष्ट्रपति अब उस शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा नियुक्त किसी कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से करता है या अन्य कर्मचारी के माध्यम से करता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। समस्त शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। हालांकि वास्तविकता में राष्ट्रपति तो नाम मात्र का है, वास्तविक शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। लेकिन उच्च न्यायालय से संबंधित जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय के पास ही रहती है, यानी कि न्यायिक शक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायिक शक्ति उच्च न्यायालय के पास ही रहती है। संचित निधि से व्यय के निर्देश दे सकता है राष्ट्रपति। राज्य सूची के ऊपर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। 19 की स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में 20 और 21 की स्वतंत्रताओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। 20 के अंतर्गत अपराध दोष सिद्धि से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं और 21 के अंतर्गत जीवन की जो स्वतंत्रता है उसको नहीं किया जा सकता है, स्थगित नहीं किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत यदि हम देखें तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के समक्ष आपस में विचार विमर्श चले कि इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन उन सभी का उत्तर देते हुए, आलोचनाओं का उत्तर देते हुए, अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये जो संवैधानिक संकट की स्थिति है ये एक मृत प्राय है और इसका प्रयोग नहीं के बराबर ही होगा। लेकिन हम देखते हैं आज तक का जो इतिहास है उसके अंतर्गत इस शक्ति का प्रयोग अनेक बार, कई बार उपयुक्त रूप से, कई बार अनुपयुक्त रूप से, कई बार उचित रूप से, कई बार अनुचित रूप से इस शक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी कि 131 बार से अधिक बार भी, जिसके बारे में ये कहा गया था कि इसका प्रयोग नहीं के बराबर होगा, 131 से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। यदि हम व्यवहार के अंतर्गत देखें तो 1951 में पहली बार, 1951 में ही पंजाब के अंतर्गत जो भार्गव मंत्रिमंडल है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद में लगातार इसके प्रयोग होते रहे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार पहली बार केंद्र में बनी थी तो उसने 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया था। उसी का प्रत्युत्तर देते हुए 1980 में इंदिरा गांधी की वापस से सरकार बनी तो उसने फिर 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया। और ऐसे ही कई बार विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो गठबंधन की सरकारें हो, इस अनुच्छेद का कई बार उचित और कई बार अनुचित प्रयोग किया गया। और इसीलिए समय समय पर सर्वोच्च, कई बार उचित रूप से, अनुचित रूप से इस 356 का प्रयोग सभी सरकारों के द्वारा, कोई भी सरकार इससे अछूती नहीं है, सभी सरकारों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। और उसी के कारण समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में इसके संबंध में परामर्श हासिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में बार बार याचिकाएं दायर हुई और इसके बारे में 1994 के अंतर्गत एक बम्बई मामला हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 356 के अंतर्गत अब क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में 1994 में कुछ निर्णय दिए थे, जिसमें ये कहा गया कि 356 के अंतर्गत जो संवैधानिक संकट घोषित किया जाता है तो वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संवैधानिक संकट के लिए तर्क संगत कारण होना आवश्यक है, इसका तर्क संगत कारण होना चाहिए। केंद्र को, केंद्रीय सरकार यदि संवैधानिक संकट की घोषणा करती है तो इसको कारण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आपने किस कारण के तहत ये घोषणा की है। इसके अलावा संसाधन सही नहीं है ये आप कारण नहीं दे सकते हो, इसका कार्य तर्क संगत होना चाहिए। घोषणा सर्वोच्च न्यायालय चेक करता है कि यदि घोषणा असंवैधानिक है तो विधानसभा पुनः बहाल भी की जा सकती है।
इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। यदि संसद की अनुमति नहीं मिलती है तब भी विधानसभाएं पुनः बहाल की जा सकती है। सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर आप किसी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, वहां की राज्य सरकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। अगर केंद्र में अन्य दल की सरकारें हैं और राज्यों में दूसरे दल की सरकार बन गई है तब भी इस आधार पर भी राज्य सरकारों को भंग नहीं किया जा सकता है। किन आधारों पर भंग किया जा सकता है? यदि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, अगर राज्यपाल ने अगर किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और राज्यपाल ने दूसरे को मौका दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकता है, मतलब उसे विधानसभा को बहाल करने की अन्य संभावनाओं को भी तलाशना होगा। तो इन आधारों पर काफी प्रयास किया गया है कि 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो 356 है उसका केंद्र सरकार के द्वारा, इसके बारे में प्रोफेसर महेश्वरी ने ये कहा था कि अनुच्छेद 356 देश की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था का एक आंतरिक भाग बन गया है और ये देश के राजनीतिक मानस बन गया है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि 356 जो अनुच्छेद है वो संवैधानिक संकट अपन्याय योग्य है और केंद्रीय सरकार सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण राज्यों में संवैधानिक संकट की घोषणा नहीं कर सकती है। तीसरे जो संकट है जिसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है, वित्तीय आधार पर वित्तीय संकट किन परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, इसका प्रमुख आधार यह है कि यदि देश की वित्त व्यवस्था को कोई खतरा है तो उसके आधार पर वित्तीय संकट की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। इसके लिए भी 2 माह के भीतर आवश्यक है मंजूरी लेना, लेकिन इसको और आगे लागू करने के लिए पुनः मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपात के लिए किसी समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। जब तक देश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं हो जाए तब तक वित्तीय आपात लागू रह सकता है। इसके अंतर्गत जो प्रभाव इसका होता है, कार्यकारी शक्ति है देश की, वो राष्ट्रपति के हाथ में आ सकती है। वित्तीय स्थिति भी राष्ट्रपति के हाथ में आ सकती है। इसके अंतर्गत जो प्रभाव होता है वो ये प्रभाव होता है कि इसमें केंद्र और राज्यों के जो वित्तीय संबंध है उसमें परिवर्तन हो सकता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में, भत्तों में कटौती हो सकती है। राज्यों की संचित निधि पर भी केंद्र का अधिकार हो सकता है। किसी भी कर्मचारी, इसमें न्यायाधीश भी शामिल है, उनके वेतन में भी कटौती हो सकती है। वित्त के क्षेत्र में राज्य सरकारों को कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यदि इसको वित्तीय आपातकाल को वापस लेना है, वित्तीय स्थिति ठीक हो गई है, तो राष्ट्रपति इस घोषणा को स्वयं वापस ले सकता है और वित्तीय आपात खत्म हो सकता है। इसके बारे में एक हृदयनाथ कुंजरू करके एक विद्वान थे, उन्होंने ये कहा था कि वित्तीय आपात राज्यों की वित्तीय संप्रभुता को खतरा उत्पन्न कर राज्यों की वित्तीय संप्रभुता को खतरा है। हालांकि इसका प्रभाव यदि हम देखें, इसका व्यवहार में अभी तक प्रयोग वित्तीय आपात का कितनी बार हुआ है, तो ये भारत की खुशकिस्मती है कि अभी तक वित्तीय संकट की स्थिति भारत में उत्पन्न नहीं हुई है, यानी कि वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है। हालांकि 1991 के अंतर्गत काफी वित्त के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ा था,
वित्तीय आपातकाल अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो ये वित्तीय प्रावधान थे, ये आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये आपातकालीन प्रावधान 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत और 360 के अंतर्गत तीन प्रकार के आपातकाल की घोषणा हो सकती है। युद्ध और आक्रमण के लिए, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात। तो इस स्थिति का सामना किस प्रकार से किया जाए, ये संविधान निर्माताओं ने बताया है। धन्यवाद।